अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाई टेक्निकल सॉल्यूशन। फ्रेंड, आज आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में किस तरह थंबनेल बना सकते हैं यूट्यूब के लिए। जी हाँ, आप अपने वीडियो के लिए एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं जिस तरह मैं बनाता हूँ। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट YouTube थंबनेल उर्दू इन ऑन मोबाइल। दोस्तों, वाकई में आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये वीडियो देखकर, और आपने एंड तक देखनी है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ आपसे एक लाइक और एक शेयर मांगता हूँ। जो वीडियो इस वीडियो को एंड तक देखेगा और लाइक और शेयर करेगा, उसको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपको सिखाता हूँ तो मेरा इतना तो हक बनता है, तो आप एक लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, आज देखते हैं कि जो जो इस वीडियो को देखता है, जितने रिव्यूज़ होंगे उतने लाइक भी होंगे। जो जो प्यार करता है मेरी इस वीडियो को, उससे फ़ायदा होता है। तो प्लीज़, खुदा का वास्ता, आपको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको दोस्तों तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक पिक्सल लैप एक एप्लीकेशन की, दूसरे नंबर पे आपको उर्दू कीबोर्ड की, और तीसरे नंबर पर आपको जो है फ़ॉन्ट की ज़रूरत होगी। दो चीज़ें तो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी, एक फ़ॉन्ट है वो आपको मेरी वेबसाइट से मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, किस तरह करना है। प्ले स्टोर पे आपने चले जाना, प्ले स्टोर पे सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना उर्दू कीबोर्ड, जो सबसे फर्स्ट वाला है, जिसका जो सर्विस टिकेट जिसका यूज़र नेम है और उर्दू कीबोर्ड 2017 है, ये आपने निकाल लेना। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर यहाँ पे आपने सर्च करना है पिक्सल ऐप। देखिएगा इस पिक्सल ऐप आपने सर्च करना है पिक्सल ऐप, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए 5 मिलियन इसको डाउनलोड लोगों ने कर रखा है। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपने ये दो चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है और इंस्टॉल कर लेनी है। दोस्तों, जब आप सबसे पहले ये उर्दू कीबोर्ड ऑन करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे लोडिंग का किएगा, तो आपने इसको एक्टिवेट करना है। मैं आपको बता देता हूँ एक्टिवेट किस तरह करना है। ये इस तरह पहले मेरे पास आ रहा, तो ये आपके पास आएगा इनेबल कीबोर्ड, नीचे आपको कुछ और का, आपने इनेबल कीबोर्ड पे क्लिक करना कि इनेबल इसको कर देना है। फिर आपने पिक्सल ऐप पे आ जाना है, ये है पिक्सल ऐप। दोस्तों, ये पिक्सल ऐप है, मैं आपको बताता हूँ इस पर काम आपने किस तरह करना है। ये देखिए, मैंने थंबनेल बनाया था अपने इसी के लिए, तो अब मैं शुरू से बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ सबको, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने आपके लिए ही बनाया था, क्योंकि मुझे आपको बताना, मैं फिर से आपको बता के दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डिफ़ॉल्ट में मिलेगा, इस तरह आपको डिफ़ॉल्ट में मिलेगा, तो आपने इसको बिल्कुल खुद ब खुद सेट करना है। पहले तो इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको ये ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, 3 डॉट पर आपने क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इमेज साइज़, अपने इमेज साइज देना है, जो कि होता है यहाँ पे 1280x720, किसका वाला, ये YouTube का साइज़ है 1280x720, और एक्सेप्ट रेशियो होती है 16 जो है निस्बत 9, और इसको ओके कर देना। दोस्तों, ये देख सकते हैं आपको इस तरह हो गया, तो आपको नीचे आपने देखना है जहाँ पे ए बना हुआ है, और साथ ये शेप बनी हुई है, और उसके बाद ये नीचे तो जो एंड वाले शेप में ये वाला, तो यहाँ से आपने कलर चूज़ कर लेना है। कलर चूज़ यहाँ से आप कोई भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ग्रेडियंट है कलर पे जाएंगे तो यहाँ से सिर्फ कलर मिलेंगे, तो मैं सिंपल वाइट कर लेता हूँ, या फिर जो मैं अक्सर करता होता हूँ वो जो येलो, हल्का सा येलो होता है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो वाइट ही मैं पसंद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे ए पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिखा आएगा टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस पे ऊपर आके ये न्यू टेक्स्ट पे डबल क्लिक करें, तो इस तरह ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपके पास ना ये वाला कीबोर्ड इस तरह का शो होगा, जो आपका डिफॉल्ट होगा। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने ये जी बोर्ड मेरा डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, मैंने जब इसको उस कीबोर्ड में उर्दू वाले कीबोर्ड में कन्वर्ट करना है, तो आपने अपने होम स्क्रीन को नीचे करना है और इसको चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करके डुअल उर्दू इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डुअल इंग्लिश उर्दू पे क्लिक करेंगे तो ये उर्दू कीबोर्ड आ जाएगा, तो आपने उर्दू पर क्लिक करना है। ये देखिए आपके पास इस तरह आ गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोबाइल, ये देखिए मोबाइल
देखिए यहाँ पे ऑटो सुगेस्ट करता है कि आपने लिखते जाना है। अब आपने यहाँ पे ना इंग्लिश लिख लिया, मोबाइल पर उर्दू थंबनेल बनाई है। देखिए मोबाइल पर, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ उर्दू थंबनेल, ये देखिए अलिफ, ठीक है, और यहाँ से हम पेश, फिर रे, फिर दाल और वाओ, उर्दू थंबनेल बनाए। थंबनेल के लिए हम इंग्लिश यूज़ करेंगे, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ थम नेल, देखिए मैंने लिख दिया थंबनेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बनाए, ये देखिए आपको पहले नंबर पे ये सुगेस्ट कर रहा है, मैंने इसको पहले पे ले दिया। ये देख सकते हैं हम दोस्तों, ये मेरी पहले टैक्सी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से आपको बहुत सी ऑप्शन मिलेगी, एडिट, डिलीट, कॉपी, फॉन्ट, तो यहाँ से साइज। अब हम साइज से पहले हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट आपको जमील करना है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मिलने के बाद आपने वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, वो डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड की फोल्डर में आ जाएगा। तो आपने माई फॉन्ट पे जाना है, यहाँ पे फॉन्ट के मैं फिर से बता देता हूँ, फॉन्ट पे जाकर माई फॉन्ट पे जाना है। माई फॉन्ट के जाने के बाद यहाँ पे सर्च के साथ आपको प्लस प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, तो आपने ये प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको जमील नूरी ए नस्तलीक पे क्लिक करके उसको ऐड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ऐड सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर आपके पास ये शो होना शुरू हो जाएगा। मैं पहला ही यूज़ करता हूँ, मैं इसलिए आपको पहला ही फॉन्ट आपको दूंगा, तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। जैसे मैंने ओके किया दोस्तों, इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, ये देख बी का बटन नज़र आ रहा है, बी पे क्लिक करें और बी पे बोल्ड कर दें, ठीक है। अब आप इसको मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्टाइल अभी सिंपल ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे साइज़ आप उसको बढ़ा देना। प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये बढ़ेगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, आपने इसको बिल्कुल दरमियान में रखे, थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा देना है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा और प्यारा लगे। ये देखिए अब इसको मैं 70 तक रखूँगा या फिर 66 तक, ये देख सकते हैं आपको ये दरमियान में बिल्कुल आ चुका है। तो आपने थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेना जैसे आपको पसंद आए। तो ये देखिए मैं ये इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा और थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा यहाँ तक कर दूँगा और इसको इस तरह। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं इस तरह ही थंबनेल बनाता हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, मोबाइल पर उर्दू थंबनेल बनाए। देखिए मैं इसको अब थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ऊपर चला गया, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। ये देखें बहुत ही आपने आराम से इसको प्यार से इसको करना है। देखिए मोबाइल पर उर्दू थंबनेल बनाई, ये अब इसका हमने फॉन्ट कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको आगे करेंगे, कलर पर क्लिक करेंगे और मैं रेड पर क्लिक कर देता हूँ, और रेड बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो रेड पे हमने क्लिक तो कर दिया। तो यहाँ से अब थोड़ा सा हमने इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा चला गया, तो ये देख सकते हैं हम बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसका बैकग्राउंड कलर देना है, ये देखिए मैं इसको आगे करूँगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, आपने इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करेंगे तो मैं इसको ये वाला पिक्चर है ये वाला दूंगा, और लेफ्ट पैडिंग कर दूंगा, इसको फुल कर दूंगा, राइट पैडिंग भी फुल कर दूंगा, और इसका जो टॉप पैडिंग है वो भी ठीक है बिल्कुल, और बॉटम पैडिंग हम इसको थोड़ी कम कर देंगे। ये देखिए आपकी बॉटम पैडिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसको कम कर दिया। तो आप रेडियस भी दे सकते हैं, रेडियस अगर आप देना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं एक पहली लाइन तैयार हो चुकी है। अब आपने दूसरी लाइन पर लिखना है, मैं कुछ भी अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ। यार ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल पर उर्दू थंबनेल मतलब ऐसा ऐसी खुफिया वीडियो जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ऐसी एक ऐसी खुफिया, ये देखें खे आपने अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि मैं तो इस लिहाज से ही कर रहा हूँ। फे ये है खुफिया, एक ऐसी खुफिया वीडियो का राज, वीडियो कैसी खुफिया वीडियो का राज, ये देखिए एक ऐसी खुफी वीडियो का राज, खुफिया वीडियो का राज, ये देखिए मैंने ओके कर दिया। अब ये देखिए यार नीचे आ रहा है, आपने इसको पढ़ करके इसको इस तरह कर देना, इसको दरमियान में
कर देना। आप इसका साइज भी बढ़ा, उसी तरह आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। मैं साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ये देखिए मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ। ओके किया, आप इसका फोन जल्दी से चेंज कर लेते हैं क्योंकि आप काफ़ी लंबी फिर वीडियो हो जाएगी। इसको मैं ओके कर लेता हूँ और इसको आप थोड़ा सा आप और साइज को बढ़ा लेते हैं अगर बढ़ाना चाहें तो। तो मैं इसको पहले बोल्ड कर लेता हूँ, बोल्ड करने के बाद ओके करता हूँ और ओके करने के बाद अब इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ाते हैं। साइज़ बढ़ाने के ये देखें, आप जितना साइज़ बढ़ाना चाहते हैं उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल ऊपर ले जाऊँगा और यहाँ तक बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत ही अच्छी वीडियो बिल्कुल दरमियान में ला के इसको इस तरह कर देना है। और इसका आप कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर दें। यहाँ से मैं कलर देता हूँ, यहाँ से ये देखें ग्रीन, आप ग्रीन दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। मैं रेड दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, ये देखें। और मैं ज़्यादातर ये वाला कलर यूज़ करता हूँ और मैंने ये वाला कलर दे दिया। एक ऐसी खुफिया वीडियो जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये देखें। यहाँ से एक और मैं टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको ये नीचे लाता हूँ और इसके इस तरह करूँगा डबल क्लिक और यहाँ पे मैं लिखूँगा जो आप ने पहले पे। देखिए आपने अट्रैक्टिव बनाना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपने पहले कभी के बे, थोड़ा सा आपको यहाँ से तंगी होगी, कभी नहीं देखी, क्या देखी तो सबने होगी, देखी होगी। ये देखें गाइस, ये मैंने लिख दिया है, ये देखें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये मैंने इस तरह कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करूँगा तो ये इस तरह आ गया। तो अब इसको मैं और थोड़ा सा इसका सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसको कुछ ही करेंगे क्योंकि फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद इसका और चेंज हो जाता है। देखिए मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया तो ये किस तरह हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ाऊँगा। अब साइज़ बढ़ाने के लिए हमने इसको उस तरह ही प्लस की तरफ आगे ले जाना, धकेल देना इसको आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने इसको इस तरह कर दिया, इसको ओके करेंगे। अब इसका थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके देख लेते हैं कि ये कहाँ पे फिट आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक है, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, मैंने फिर इसको बोल्ड कर दिया। अब यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर मुझे लग रहा है मुझे देना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको रेड कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, जैसे ब्लैक दे देता हूँ। और इसका जो लेफ्ट पैडिंग है फुल कर दूंगा, राइट पैडिंग का फुल कर दूंगा। ठीक है, और यह टॉप पैडिंग नहीं करना चाहता मैं, बॉटम पैडिंग को इसको थोड़ा कम करूंगा। ठीक है, थोड़ा कम करने के बाद आप इसको रेडियस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इसका फिर मैं कलर चेंज करूंगा, कलर चेंज करने के लिए मुझे फिर से वहां पे जाना पड़ेगा कलर पे। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये भी अच्छा लगेगा, वाइट भी अच्छा लगेगा, तो वाइट हम दे देते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो आपने इसके हिसाब से इसको दरमियान में कर लेना क्योंकि मुझे दरमियान में नहीं लग रहा, तो इसको मैं दरमियान में कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं इसको दरमियान में कर रहा हूँ, तो ये उम्मीद है दरमियान में हो गया होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ करूँगा तो ये देखिए हम दरमियान में हो गया। तो अब हम नीचे वाली लाइन पर भी कुछ लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैं नीचे वाली लाइन पर भी लिख देता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को वी ये डाल ये वो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, खे आखिर तक, ये देखिए मैंने लिख रहा हूँ तक ज़रूर, ये देखें ज़रूर, ये देखें ज़रूर, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ये के है ये आगे नून गुन्ना। देखें गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे मैं दरमियान में करके इसको और फिर से फ़ॉन्ट दूंगा, फ़ॉन्ट कलर। अब मैं यहाँ से फ़ॉन्ट देता हूँ, फ़ॉन्ट के बाद वो माई फ़ॉन्ट, और यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट दे देता हूँ, यहाँ से ओके करूँगा। और ये देखिए अब इसको मैं थोड़ा बोल्ड करूँगा, बोल्ड करने के बाद अब इसको हम साइज इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए मैं इसका थोड़ा सा साइज यहाँ तक ही ठीक है क्योंकि ये वीडियो ये दबिल को दरमियान में आपने करके इसको ओके कर देना है। अब इसका कलर दे देते हैं हम, कलर कोई भी हम देते हैं, कलर पे क्लिक करते हैं, कलर पे क्लिक करके आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ से मुख्तलिफ कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ,
और इसको भी इस तरह कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ही कमाल की लगी होगी, ये देख सकते हैं बिल्कुल कमाल आपको लग रहा होगा थंबनेल, और बहुत ही प्यारा बना हुआ है, और इसी को ही मैं इस वीडियो के थंबनेल पर लगाऊंगा। ये देखें अब इसको दरमियान में या जहाँ भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको आप दरमियान में भी बिल्कुल दरमियान में आपने रखना है कि बिल्कुल अच्छा लगे, देखने के वाले को भी अच्छा लगे। तो ये देख सकते हैं, और यहाँ से अगर आप जैसे मैं पिक्चर ऐड करता हूँ अक्सर वीडियो में, वो भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर ऐड करने के लिए यहाँ पे पिक्चर कोई लगाने वाली है तो नहीं, इसका मैं थोड़ा सा साइज़ मैं कहता हूँ बढ़ा लूँ, क्योंकि ये साइज़ थोड़ा छोटा है। अब इसको प्लस करूँगा, जैसे मैं प्लस करता जाऊँगा इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से मैं साइज़ को बढ़ा के और इसको दरमियान में कर दूँगा। ये देखिए मैंने इसको दरमियान में कर दिया, अब ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, और उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। ये इसको भी थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं, क्योंकि ये भी कहीं अच्छा ना लगे। ये देखें गाइस बहुत ही कमाल लग रहा है, और आप मैं इसी को ही लगाऊंगा आगे थंबनेल पर। तो हम इसको पिक्चर अगर आपने ऐड करनी है तो प्लस पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करेंगे फ्रॉम गैलरी पे जाएं। गैलरी पे जाने के बाद यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अभी मेरे पास कोई पिक्चर तो नहीं है, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ऐड कर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये वाली अगर मैंने पिक्चर ऐड करनी है, तो आपने इसको पहले से ये कहा था क्रॉप करना करना है तो कर लो, तो इसको मैं ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा आप इसको पिक्चर को जहाँ मर्जी सेट कर सकते हैं, तो इसको छोटी पिक्चर को करना चाहते हैं तो आप छोटे भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैं इस पिक्चर को जैसे मर्जी इसको कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसको मैं अगर आपने सेव करना है, इसको अगर डिलीट करना है तो आप इसको ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकती है। देखिए मेरा थोड़ा सा ये मंगा पड़ गया, ये देखिए अब बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो वो भी हम मैं बहुत ही आसानी के साथ इसको सेव कर सकता हूँ। सेव करने के लिए आपको सिंपल ये देखिए प्लस के साथ सेव का बटन नज़र आएगा, सेव पे करें, सेव एस इमेज पे क्लिक करें, इमेज पे क्लिक करेंगे ये देखिए 1280x720 पहले होगा, आपने JPG से PNG पे कर देना और इसको सेव टू गैलरी कर देना। जैसे आप इसको सेव टू गैलरी करेंगे ये दोस्तों हम गैलरी में जाके देखते हैं कि हमको वो इमेज मिली है कि नहीं मिली। तो यहाँ देखें मैं फाइल्स में जाकर तो फोटोज़ में जाता हूँ, फोटो में जाने के बाद ये देखें ये मेरे पास पिक्चर आ चुकी है मोबाइल पर। उर्दू थंबनेल बनाए एक ऐसी खुफिया वीडियो का राज जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका मैं डिटेल आपको चेक करा देता हूँ, 1280x720 सिर्फ 151 KB इसका सिर्फ है, पाथ आपको बता रहा है कि ये वाला पाथ है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।